हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? आई होप आप अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, कल हमने भाग दो भाग एक पढ़ा था। आज हम अध्याय 11 का नीति के दोहे का भाग दो पढ़ेंगे, पेज नंबर 87। कल आप लोगों ने पढ़ा कि नीति के दोहों के द्वारा हमें कौन कौन सी ज्ञान और विवेक की बातें ग्रहण करी हमने, और इनमें जो जीवन का जो सार छिपा हुआ है वह साधु संतों के दोहों के माध्यम से हमारे जीवन का जो सार छिपा हुआ है इन दोहों में वह हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों, देखिए, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम मानव समाज का हित करें, और अपनी जीवन को हम सार्थक किस प्रकार बना सकते हैं, इन दोहों के द्वारा हम किस प्रकार अपनी जीवन को सार्थक कर सकते हैं, इसका हम ज्ञान ग्रहण करेंगे। इन दोहों के द्वारा आपको जो शिक्षा मिल रही है, ज्ञान विवेक की जो बातें सीख रहे हैं, आप उसे अपने जीवन में अवश्य ही समाहित करें, क्योंकि इन दोहों में बहुत अधिक ज्ञान समाहित होता है। और जो कवि, जो साधु संत हैं, जो ज्ञान विवेक की बातें बताते हैं, उनका हमें ज्ञान लेकर अपने जीवन में अवश्य ही उसे उतारना चाहिए। बच्चे, कल हमने तीन दोहे पढ़े थे, रहीमदास जी का, कबीरदास जी का, और एक तीसरा दोहा रहीमदास जी का। आज हम पढ़ेंगे बिहारी दास जी का दोहा, कवि बिहारी। कवि बिहारी का ये फोर्थ दोहा देखेंगे आप अपनी अपनी बुक में, और ध्यान से इस दोहे को पढ़ेंगे। बड़े न पूजे गुणन बिन, बिरत बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गड़ो न जाए। बच्चे, आप देखेंगे इस दोहे में बिहारी दास जी क्या कहना चाहते हैं। कवि बिहारी दास जी कहते हैं, बड़े ना हुजे गुणन बिन, बड़े ना हुजे गुणन बिन। गुणन का अर्थ है गुणों का, बिन मतलब बिना। अर्थात कवि क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसमें कोई गुण नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कितनी भी यश सफलता को प्राप्त कर ले, लेकिन यदि उसमें गुण नहीं है तो वह किसी भी यश और सफलता उसके जीवन में किसी काम की नहीं है, क्योंकि बिना गुणों के व्यक्ति अपना जीवन सार्थक नहीं कर सकता। जैसे बच्चे, कवि बिहारी दास जी अगली पंक्ति में, अगली लाइन में उदाहरण स्वरूप समझाते हैं, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गड़ो न जाए। देखिए बच्चों, जो कनक होता है उसे सोना, कनक का अर्थ क्या है? सोना। और धतूरे को भी क्या कहा जाता है? कनक। धतूरे का एक अन्य नाम क्या है? कनक। लेकिन नाम में समानता होने से क्या धतूरे से सोने के जेवर होते हैं वो आभूषण बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते। सिर्फ नाम में समानता होने से, धतूरे को कनक कह देने से उससे आभूषण, सोने के समान आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कवि यही समझाना चाह रहा है कि नाम में समानता हो जाने से कुछ नहीं होता, यदि उसमें गुण नहीं है तो वह कोई भी कार्य उसका सफल नहीं हो सकता। अर्थात गुणों का कवि ने विशेष ध्यान दिया है कि गुणों, कवि में कहना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में गुणों का क्या महत्व है, उसके जीवन में गुण बहुत अधिक महत्व रखते हैं। अगला दोहा देखेंगे बच्चे रहीमदास जी का। रहीमदास जी इस दोहे में क्या कहना चाह रहे हैं? कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, तेसो ही फल दीन। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी समझाना चाह रहे हैं कि कदली, कदली केला, सीप होता है मोटी, और भुजंग होता है सांप।
स्वाति एक गुण तीन, जो स्वाति नक्षत्र होती है, जो उसकी बूंद हो वर्षा की बूंद होती है, स्वाति नक्षत्र की वर्षा की जो बूंद होती है वह तो एक ही है, लेकिन उसके गुण इन तीनों के अर्थ में अलग अलग हैं। जैसे स्वाति नक्षत्र की जो एक बूंद है वह कदली के साथ मिलकर क्या बन जाती है, कपूर बन जाती है। उसी प्रकार सीप के साथ रहने से वो क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। और भुजंग मुख, भुजंग के साथ उसका मेल होने से वह जहर के समान बन जाती है। अर्थात गुण तो एक ही है, लेकिन उसका गुणों तीनों के अर्थ में अलग अलग है, ये अर्थ है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि कवि कैसा क्या बताना चाह रहा है कि व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है वैसा ही वह हो जाता है। अर्थात जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। हम जैसी संगति में, बुरी संगति में बैठेंगे तो हम बुरे बनेंगे। यदि हमारी संगति अच्छी होगी तो हम कैसे व्यक्ति बन जाएंगे, अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। इसीलिए रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगति का ही साथ करना चाहिए। यदि हमारी संगति अच्छी नहीं है तो हमारे जीवन में अच्छे गुण नहीं आएंगे। अगला दोहा देखेंगे बच्चों, आवत ही हर्षे नहीं, नयन नहीं स्नेहि, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। देखो बच्चे, यह दोहा तुलसीदास द्वारा लिखित है और इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को कहीं भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, मनुष्य को कहीं ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां जाकर आवत ही हर्षे नहीं, हर्षे का अर्थ है प्रसन्नता और स्नेह का अर्थ है प्रेम। यदि कवि कह रहा है कि मनुष्य को ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर उसको देखकर लोग प्रसन्न न हो, नैनन नहीं स्नेह, और उनके लिए उनकी आंखों में, नैनन का अर्थ है आंखों में, उनकी आंखों में उसके लिए स्नेह और प्रेम की भावना न हो। कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को ऐसी किसी भी जगह नहीं जाना चाहिए जहां लोग दूसरे लोग उसको देखकर प्रसन्न ना हो और उनकी आंखों में उसके लिए क्या ना हो, प्रेम ना हो। तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसी किसी भी जगह स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां उसको स्नेह की भावना, प्रेम की भावना से उसका आदर सत्कार न हो, चाहे तो फिर वहां पर कंचन बरसे मेह। मेह का अर्थ है वर्षा और कंचन का अर्थ है सोना। चाहे वहां सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो, सोने की वर्षा ही क्यों ना हो रही हो, मतलब उसका लाभ ही लाभ क्यों ना हो रहा हो, लेकिन यदि उसके जाने से किसी के मन को खुशी नहीं है, किसी की आंखों में उसके लिए स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को, मनुष्य को ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बच्चों अगला दोहा देखेंगे, यह दोहा कवि वृंद के द्वारा लिखित है और इस दोहे में कवि वृंद क्या कहना चाह रहा है। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पोन। देखो बच्चे, वृंद कवि क्या कहना चाह रहे हैं, विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, धन उद्यम बिना, धन धन दौलत पैसा, और उद्यम का अर्थ है परिश्रम या फिर मेहनत। जो विद्या है, जो ज्ञान है और जो धन है, धन दौलत है, उद्यम बिना, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कहो जो पावे कौन, कहो कौन पा सकता है। बिना परिश्रम के किसी को भी ज्ञान धन दौलत की प्राप्ति हुई है बच्चों, नहीं हुई है। यदि आपको भी अपने जीवन में सफल होना है तो आपको भी परिश्रम मेहनत तो अवश्य ही करनी पड़ेगी। यदि परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। कोई भी व्यक्ति, जो भी सफल व्यक्ति हैं, उनके पीछे उनकी कड़ी मेहनत छिपी रहती है, क्योंकि बिना परिश्रम और मेहनत के एक कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया है। कवि वृंद भी यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में कड़ी मेहनत सफल होने के लिए करनी ही पड़ेगी। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पोन, पोन शब्द का अर्थ है यहाँ हवा।
अर्थात कवि उदाहरण स्वरूप अगली पंक्ति में समझा रहा है कि बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पोन, पंखे की जो हवा है वो पंखे को, जो पहले के समय में जैसे आजकल तो ये विद्युत से चलने वाले उपकरण है, लेकिन पहले जो हाथ से हिलाए डुलाए जाते थे पंखा, तो उससे ही हवा मिलती थी। यदि हम पंखे को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो उससे हमें हवा कैसे मिलेगी। इसका अर्थ है मतलब हवा प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, उस पंखे को हिलाना डुलाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी यही बात है कि हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें मेहनत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। यह बात आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं बच्चों कि आपको अपनी, यदि आपको अपनी परीक्षा में पास होना है, सफल होना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो ही आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। बच्चों, इन दोहों के माध्यम से आपने क्या क्या सीखा और उसे अपने जीवन में आप अवश्य उतारेंगे बच्चों, क्योंकि इन दोहों का एकमात्र उद्देश्य ही हमें ज्ञान और विवेक की बातें समझानी है, विवेक की बातें देनी है, लेकिन हम उन्हें अपने जीवन में कितना उतार सकते हैं वे हमारे ऊपर ही है कि हमने इतनी जो बातें ज्ञान की सीखी हैं उसे हम अपने जीवन में ग्रहण करें, उसे जीवन में उतारें। हैव ए नाइस डे बच्चों, हैव ए गुड डे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, थैंक यू बच्चों, प्यारे।